Hey guys, मेरा नाम है सौरभ। मैं पिछले ऑलमोस्ट 20 दिनों से iPhone XR को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने काफी अच्छी तरीके से इस फोन को टेस्ट करा है कि आज के डेट में हमें इस फोन से कैसी परफॉर्मेंस, कैसी बैटरी बैकअप वगैरह देखने को मिलती है। क्योंकि मैंने देखा है कि आज के डेट में भी काफी सारे लोग, खास करके काफी सारे टीनेजर्स ऐसे हैं जो कि आज के डेट में इस फोन को परचेज करना चाहते हैं, उनका पहला एप्पल का डिवाइस लेना चाहते हैं, तो वो iPhone XR को परचेज करना चाहते हैं क्योंकि उनका बजट में आ जाता है। ये आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में। अगर आप इसका 64GB वाला वेरियंट लेते हो तो वो आपको 15,000 के आसपास में भी देखने को मिलता है। ये जो मैंने फोन परचेस करा है, ये मैंने 15,500 रुपए का परचेस करा है, मुझे काफी अच्छे डील में मिल गया, इसलिए मैंने परचेस कर लिया। हाँ, हालांकि बैटरी हेल्थ इसमें मुझे काफी कम देखने को मिली, 77%, इसलिए थोड़ा सा मुझे प्राइस कम देखने को मिला, अदरवाइज थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिलता। बट मैंने सोचा परचेस कर लिया जाए, इसी में हम टेस्ट कर लेंगे कि इस फोन में हमें कैसी परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिलती है, कैसी देखने को नहीं मिलती है, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह होते हैं या फिर नहीं, BGMI वगैरह में खासकर। तो अगर कोई है जो कि आज के डेट में इस फोन को परचेस करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करने के लिए, लाइक BGMI हो गया या फिर COD वगैरह हो गया, तो उस केस में मैंने इस फोन में BGMI को काफी अच्छी तरीके से टेस्ट करा है खेल करके, कि इस फोन में मुझे कैसी एक्सपीरियंस देखने को मिली, वही मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या आज के डेट में आपको इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग iPhone XR के कुछ नॉर्मल स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस फोन में हमें देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले की बात करते हैं, इस फोन में हमें 6.1 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करते हैं, इस फोन में हमें एप्पल का A12 बायोनिक चिप देखने को मिलता है और ये फोन 3GB रैम के साथ में आती है। कैमरा की बात करूं तो आपको बैक में सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में आपको 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी MAH की बात करूं तो इस फोन में हमें अप्रॉक्स 2900 mAh तक की बैटरी देखने को मिलती है, और इस फोन को आप सेकंड हैंड ही लेने वाले हो तो हो सके इस फोन के साथ में आपको चार्जर देखने को 5 वाट वाला मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। अगर इस फोन के साथ में आपको चार्जर मिल भी जाता है तो भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 5 वाट का चार्जर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था इस फोन को फुल चार्ज करने में, ऑलमोस्ट आपका 2.5 घंटा लग जाएगा इस फोन को फुल चार्ज होने में। स्पेक्स के बारे में बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि एक स्पेक्स सबके फोन में काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, वो है सब्सक्राइब का बटन, जरूर से दबा देना। तो iPhone XR के नॉर्मल स्पेक्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फोन में हमें ग्राफिक सेटिंग क्या देखने को मिलती है। तो इस फोन में हमें स्मूथ में एक्सट्रीम तक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और HDR में भी हमें एक्सट्रीम तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैंने HDR प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स में गेम प्ले वगैरह बिल्कुल भी नहीं करा इस फोन में, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स में ही गेम प्ले वगैरह करके देखा इस फोन में, जितना बार भी मैंने इस फोन में गेम प्ले करा है। तो इसी सेटिंग्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिला इस फोन से। तो इतने दिनों में मैंने स्मूथ प्लस सेटिंग्स में जितने बार भी गेम प्ले वगैरह करा है, मैंने यही चीज काफी ज्यादा नोटिस करा है कि स्टार्टिंग में जब आप खेलना स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, 60 FPS एकदम कांस्टेंट देखने को मिलती है उस टाइम पे, किसी भी तरह का लैग्स, किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, एकदम मक्खन की तरह चलती है। अगर मैं हॉट ड्रॉप वगैरह पे जा रहा हूं या फिर काफी भयानक वाला रश हो गया है मुझ पे, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा काफी स्मूथ चलती है। लेकिन वहीं जब कंटिन्यू आधे घंटे तक की गेम प्ले हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि फोन काफी ज्यादा हीट होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। उस टाइप इस फोन में गेम प्ले वगैरह कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं क्लियरली बताऊं तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि मैं इस फोन में गेमिंग वगैरह करूं, काफी ज्यादा जिटरनेस वगैरह, काफी ज्यादा लैग्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मैंने जितनी बार भी इस फोन में गेम प्ले करा है, मैंने यही चीज हर टाइम नोटिस करा है कि आधे घंटे के बाद से काफी ज्यादा लैग्स, काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिले हैं मुझे। क्योंकि मेन जो रीजन रहता है वो ये रहता है कि फोन काफी ज्यादा हीट हो जाता है। तो ये तो हो गई बात कि मुझे इस फोन से गेमिंग के टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिला, लैग्स वगैरह देखने को मिले नहीं मिले, सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हाँ, मुझे इतना खराब एक्सपीरियंस इस फोन से देखने को नहीं मिलता अगर इस फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो एटलीस्ट 85% होती या 85% से ऊपर होती, तो ये चीज मुझे फेस करने को नहीं मिलता, ना ही मुझे लैग्स वगैरह देखने को मिलता। तो आज के डेट में मैं आपको सबसे बड़ा सजेशन यही देना चाहूंगा कि अगर आज के डेट में आप iPhone XR को 2023 में लेना चाह रहे हो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग वगैरह करने के लिए, तो बात याद रहे कि
कि आपको अगर एक ऐसा आईफोन XR आपको देखने को मिल रहा है जिसकी की बैटरी हेल्थ 80% के आसपास में है या फिर 80% से नीचे है, तो याद रहे कि आपको उस फोन का जो बैटरी है वो चेंज करा लेना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उस फोन में गेमिंग वगैरह करके। अदरवाइज जैसा मुझे एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है लैग वगैरह के साथ में, वैसा ही सेम आपको देखने को मिलेगा और आपका जो गेम प्ले है वो एकदम ही बेकार हो जाएगा। तो कंक्लूजन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप लोग एक आईफोन XR लेते हो आज के डेट में और आपको एक ऐसा आईफोन XR मिल रहा है जिसमें कि आपको 80% के आसपास में बैटरी हेल्थ देखने को मिल रहा है, तो आपको इंस्टेंट उस फोन का बैटरी चेंज कराने की जरूरत है, अदरवाइज मत लेना। अगर आपको 85% या फिर 85% से ऊपर का बैटरी हेल्थ वाला आईफोन XR देखने को मिलता है तो ही लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा तो उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।